मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए आध्यात्मिक रहस्य को और ध्यान की विधियों की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। कल्पांत रेखी के सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं दिनेश मेहरा वर्तमान में विगत 15 दिनों से मैं कल्पांत रेखी का अभ्यास कर रहा हूँ। हमारे सम्माननीय गुरुदेव स्वामी जगतेश्वर महाराज जी के सानिध्य में कल्पांत रेखी के संबंध में कुछ बातें मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि स्वामी जी बहुत ही कम मूल्य में और बड़ा ही मूल्यवान जो ज्ञान है वो बड़ी सरलता से हमें सिखा रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो रेकी है, मैंने 4,000 रुपये शुल्क देकर, जापानी रेकी 4,000 रुपये शुल्क देकर मैंने सीखी, और सीखने के पश्चात मैंने ये अनुभव किया कि यहाँ जो ऊर्जा का अनुभव हुआ है, जो तीव्रता का अनुभव हुआ है, वो वहाँ पर मुझे नहीं हुआ। दूसरी बात, रेकी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके संबंध में आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है, बहुत अच्छी समझ दी जाती है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी जी ये बड़ा ही परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम शुल्क में इतनी अच्छी विधा जन सामान्य तक पहुंचा रहे हैं। ये उनका परमार्थ भाव है। तो सभी मित्रों से मैं और सभी रेकी जो भी सीखना चाहते हैं उन सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आने वाली 21 तारीख को ये जो शिविर है पुनः स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी लोग इसमें हिस्सा लें और रेकी को अवश्य सीखें। रेकी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। रेकी जब आप सीखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है और आप जिनको करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए विचार है, विचार बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब हमारी वैचारिकता कैसी है, हम कैसे विचारों से घिरे रहते हैं, तो विचारों की सकारात्मकता, दूसरा हमारा सोचने का जो तरीका है वो चेंज होगा। तो जैसे जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कल्पांत रेखी में मिलेगी। तो स्वामी जी का मैं एक बार पुनः आभार करूंगा, उनको सादर नमन प्रणाम। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने बहुत ही कम मूल्य में इस विधा को सब तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है उसमें हम सहयोगी बने। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस मैसेज को सभी तक पहुंचाएं ताकि सभी को प्रेरणा मिले। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक संकल्पना है, फिट इंडिया, स्वस्थ भारत। तो कहीं ना कहीं इस कार्य में हम देश सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ भारत की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है वो ऐसे ही पूरी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, काफ़ी महंगी जो दवाइयां हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कल्पांत रेखी सीखकर स्वयं के डॉक्टर वो बन सकते हैं, स्वयं का इलाज कर सकते हैं और दूसरों का भी इलाज कर सकते हैं।
तो कल्पांत रेपी रेकी के साथ मेरा अभी जो 15 दिन का जो अनुभव रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। मैं ध्यान भी करता हूँ, तो जब से मैं ये रेकी कर रहा हूँ तो मैंने महसूस किया कि मेरे ध्यान में भी प्रगाढ़ता बढ़ गई है। तो कल्पांत रेकी के साथ मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, आने वाली 21 तारीख को आप इस शिविर को ज़रूर अटेंड करें और अपने जीवन में प्रेम, शांति, आनंद को अनुभव करें, क्योंकि इसके बगैर जीवन सार्थक नहीं है। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जिनका जीवन प्रेम, शांति और आनंद के अनुभव के साथ व्यतीत होता है, जीवन सार्थक होता है। इसलिए मित्रों, आप अवश्य रेखी सीखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। स्वयं भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दें। जय हिंद, जय भारत। एक बार गुरुदेव को सादर नमन, प्रणाम।